स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6 सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। क्या है हमारा 5th 6th एग्जांपल, अब सिमिलर टाइप के थोड़े कि फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R³ to R³ सच दैट TxA(x) वेयर द मैट्रिक्स ए इज दिस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग टाइप का आएगा। अब की बार मैट्रिक्स टाइप का, जब मैट्रिक्स टाइप का तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो हम दो वेक्टर्स मान लेंगे, जैसे x1 x2 x3, y1 y2 y3, इस इधर से। ठीक है, दो हमने मान ली। अब मुझे निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होगी, ये ऐसी होती थी ना कि टी ऑफ इधर से इक्वल्स टू होगा इधर वाले एलिमेंट के। ऐसे होता था हमारा कि टी ऑफ यू इक्वल्स टू वी टाइप से। तो जैसे सिमिलर इस तरीके से अगर मैं लिखूँ तो टी ऑफ x1 x2 x3 इक्वल टू हो जाएगा जैसे y1 y2 y3 के। ठीक है, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू अगर मैं देखूँ तो ऐसे है। ठीक, लेकिन इन्हों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, तो टी एक्स की जगह वाई लिख सकते हैं ना, तो वाई इक्वल टू ए ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब जैसे वाई की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू y1 y2 y3, और जो ए है वो ये है 1 2 -3 0 1 1 1 0 -1, एंड एक्स है जैसे x1 x2 x3। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो आप ये मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा x1 + 2 of x2 + 3 of x3, x2 + x3 x1 - x3, इस तरीके से हो गई ये वैल्यू। ठीक है, अब जो ये y1 की वैल्यू आ गई, इस तरीके से कंपेयर करते हैं, y2 की वैल्यू आ गई और y3 की आ गई। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जैसे टी ऑफ ये वैल्यू टी ऑफ x1 x2 x3 था, वो y1 y2 y3 के इक्वल था ना, बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो वही हमारी क्या हो जाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ भी नहीं था, हमने ये ले R³ के अंदर से टी ऑफ एक्स, जैसे इसके इक्वल हो गया तो टी ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो गया, यहाँ से फिर वैल्यू इसमें पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद सीधा आंसर आ गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बन गई। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि लेट द ट्रांसफॉर्मेशन टी सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये दे रखा, फाइंड द इमेज ऑफ एक्स, एक्स की इमेज निकालें। मतलब जैसे टी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा वाई, है ना, और ये वाई इक्वल टू ए ऑफ एक्स दे रखा है, तो हमें ये वाई निकालना है, यही है इसकी इमेज, तो हमें ये वाई निकालना है। वाई हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिख दो y1 y2 y3, ए हो गया जाएगा जैसे ये 1 3 2 2 1 1 3 2 3, ये यहाँ पे x1 x2 x3, अच्छा x1 x2 x3 भी दे रखे हैं यहाँ पे, तो 1 1 2, इसमें तो सीधा आंसर आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करो अब 1 + 3 + 4, मल्टीप्लाई करो 2 + 1 + 2 3 + 2 + 6, 8 5 11, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपकी इमेज आ गई, ये होती है इमेज हमारी y1 y2 y3, इस तरीके से आ गई। तो आप लिखना इमेज ऑफ 1 1 2 इज 8 5 11, इस तरीके से ब्रैकेट में 8 5 11। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, अब हमें एक सेकंड पार्ट और दे रखा, उसमें क्या था इमेज हमें बतानी थी। ठीक है, इसमें क्या है, इमेज हमें गिवन है, वेक्टर हमें बताना है, द वेक्टर एक्स हुज इमेज इज दिस। ठीक है, फाइंड, देखो ये बोल रखा था यहाँ पे फाइंड द वेक्टर एक्स हुज इमेज इज दिस। ठीक है, तो हमारे जैसे हम वाई ऑफ ए एक्स लेके चलते थे यहाँ पे। ठीक है, अब की बार हमें क्या बताना है, एक्स द वेक्टर एक्स हुज इमेज इज दिस, तो ये क्या होगा ए इनवर्स वाई। ठीक है, तो ए इनवर्स, तो एक्स आ गया जैसे ए इनवर्स, और वाई की वैल्यू हमें ये गिवन दे रखी है -2 -5 और -5, तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब पहले हमें ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उससे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे होगा, ए की वैल्यू यहाँ पे ये वाली लिख लो यहाँ पे 1 3 2 2 1 1 3 2 3, तो 1 × 3 - 2 - 3 × 6 - 3 + 2 × 4 - 3। ठीक है, तो -1 - 3 × -3 + 2 × 1 - 1 + 9 + 2, देखो ये आ गया।
यहाँ पे 2, 3 - 2 = 1, 6 - 3 = 3, 4 - 3 = 1, तो ये आगे कैलकुलेशन माइनस ऑफ 6 आ गया जो कि नॉन जीरो है तो डिफाइन होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट, अब डिटरमिनेंट तो निकाला, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। देखो मैंने ए लिख लिया, इसका एडजॉइंट निकालना है तो वही है जो हम छोटी क्लासेस में निकालते थे 11th क्लास में, एडजॉइंट ए वन वन, पहले ये लिख लो ए वन टू, ए थ्री वन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, अगर आपको लर्न भी नहीं होगा तो अब याद आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं भी होता था, बिल्कुल ईजी है। माइनस वन की पावर वो लिख देते थे इन दोनों को ऐड करके, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर फाइव, माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर फाइव, इन दोनों को ऐड करके माइनस वन की पावर उतनी लिख लेते थे यहाँ पे, 3, 2, 3, 3, 6। ठीक है, ये होगा। अब मुझे ए वन वन निकालना है, वन वन इनको छोटो, 3 - 2 बाद में सॉल्व करके लिखेंगे, ए वन टू, 6 - 3, ए वन थ्री, 4 - 3, ए टू वन, 9 - 4, ए टू टू, 3 - 6, ए टू थ्री, 2 - 9, ए थ्री वन, 3 - 2, 3, 2, 1 - 4, ए थ्री थ्री, 1 - 6, 3 - 1 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 3 - 3, 6 - 3, 3, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा बाहर, माइनस ऑफ 3, ए प्लस का 1, माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 3, यहाँ ऐसे माइनस ऑफ 7 एंड ये माइनस का, तो ए प्लस का 7, 3 - 2 - 1, 1 - 4 - 3, लेकिन बाहर एक माइनस है तो 3, और ये हो गया माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब इनकी वैल्यू ऐसे लिखते हैं हम कि जैसे 1 - 1 - 3 - 1, माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 3 - 7, 1 - 3 - 5, लेकिन एडजॉइंट निकालने के लिए इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो ये अब जो आएगा ना वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, 1 - 3 - 1 - 5 - 3 - 7 - 1 - 3 - 5, ये हो गया हमारा इसका एडजॉइंट। ठीक है, मुझे क्या निकालना था यहाँ पे, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि ये इस तरीके से होना था, तो 1 / mod of 6, 1 - 5 - 1 - 3 - 3, यहाँ पे ये 5 था ना, 1 - 3 - 1 - 5 - 3 - 7, 1 - 3 - 5, ओके तो ठीक है ये, तो इस तरीके से आ गया। तो ये हमें निकालना था इसके अंदर, कि इसके अंदर इन्होंने बोल रखा था कि वेक्टर एक्स है हुज इमेज इज, हमें वेक्टर एक्स निकालना था तो हमने निकाल दिया जिसकी इमेज गिवन थी, तो इसी वजह से हमने इनवर्स निकालना पड़ा, उधर चला गया वो, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये थी आपकी 4.3। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।